हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है। एक बस बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, देखो मैं कल रात से मैं बहुत बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ऐसे मूड ख़राब हो गया मेरा पूरा। इसलिए मैंने सुबह से कोई ब्लॉग भी कल भी नहीं शूट किया था और आज भी नहीं किया है। बस एक छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो गाइस, देखो हम जब हम हमारा मतलब कि जो कामयाबी के एंड तक हम लोग तो हमारे बस कुछ ही कदम बाकी रहता है और हमें मिलने ही वाली होती है वो कामयाबी। और तब जब हमारी एक ही गलती की वजह से हमें किस्मत हमें वहाँ से सीधा डायरेक्ट नीचे गिराती है वहाँ तक जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया होता है, ठीक है। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ है। मेरी एक गलती की वजह से मेरे सारा जो सब मैंने ही एक डेढ़ साल हो गया शायद, एक साल के ऊपर तो हो ही गया है मेरे YouTube में, तो मुझे वापस वहाँ पर गिरा दिया है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं बहुत एकदम बहुत हताश हो गई हूँ, थोड़ा सा मायूस हो गई हूँ कि अब मैं वापस ऐसा कैसे वो जो मैंने जो मेरा कामयाबी के थोड़ा सा ही दिल था, अब मैं वापस वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। मैं वो सोच रही हूँ कि मैं अब और क्या करूँ अब कि मैं फिर से वो मेरा जो मकान था वो अब खो गया है, वापस वहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो बस यही सोच रही थी, टेंशन हो रहा था रात से कि वो माय गॉड, ये मेरी गलती की वजह से मेरा इतना बड़ा यूट्यूब का जो था एक लक्ष्य टारगेट बना लिया था वो वापस मुझे फिर से अब मुझे करना पड़ेगा। तो वो सोच रही हूँ और थोड़ा सा हिम्मत अब सोच कुछ टाइम थोड़े टाइम के लिए ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मुझे एक चुटका लग गया है। मैं कल से रात से मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, फीवर हो गया है, सर दर्द हो गया है, यार ये क्या हो गया, वापस अब मुझे फिर से अब खड़ा करना पड़ेगा सब कुछ। सोचो अगर हमारी कामयाबी में हम थोड़ा ही दूर रहता है और हमें वो मिलने ही वाली और वो अचानक धक्का लग जाए, वापस गिर जाए तो कैसा लगेगा। तो बस मेरे साथ यही हुआ है मेरी गलती की वजह से, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब का फिर से मुझे वापस वो जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब थोड़ा सा हिम्मत करने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए मुझे और भगवान अल्लाह सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ। रमादान चल रहा है तो मैं अल्लाह से भी एक दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा, मैंने सोचा था कि मैं ये रमादान महीना में भी रमज़ान महीने में भगवान अल्लाह से प्रार्थना करूँ, दुआ करूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल ग्रो हो जाए, मेरा चैनल सक्सेस हो जाए। और अभी भी यही दुआ कर रही हूँ कि प्लीज़ अब थोड़ी हिम्मत दे दो कि वापस मैं अपना वो मकाम तक पहुँच पाऊँ। बस तो यही एक नई सुबह से कोई अभी थोड़े टाइम के लिए थोड़े दिन के लिए कुछ अभी मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद ही ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए नहीं बनाऊंगी कोई ब्लॉग, क्योंकि अभी ये सब देखा ना मैंने मेरे चैनल का जो सब कुछ, तो थोड़ा सा टूट गई हूँ, हार गई हूँ थोड़ा सा। तो बस यही एक कहना था, बाय।